तो एस्टैक्स का नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है क्या है, फिबोनाची सीरीज, और लास्ट एप्लीकेशन भी है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग रिकर्सन से स्टार्ट किए थे, इनफिक्स पोस्टफिक्स देखे थे, उसके बाद में टावर ऑफ अनोई को देखे, और लास्ट एप्लीकेशन क्या है, फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज किसको बोलते हैं समझो पहले, ये क्या ऐसा एक सीरीज सिक्वेंस रहता है, एक ऐसा सिक्वेंस है जिसमें कि मान लो यहाँ एन का वैल्यू लेते हैं, क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लेते हैं, तो फिब ऑफ एन जो होगा, फिबोनाची ऑफ एन जो होगा, अगर 0 है तो 1 रहेगा, 1 है अगर एन का वैल्यू, अगर इस एन का वैल्यू 1 है तो 1 रहेगा, अगर इस एन का वैल्यू 2 है तो लास्ट दोनों को ऐड करना है, अगर 2 है तो लास्ट दोनों को ऐड करना क्या है 1+1, इसका 2 हो गया। अगर फिब ऑफ 3, अगर इनका वैल्यू 3 रहे तो लास्ट दोनों को ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो, कितना है 1+2, 3 हो गया। 4 है तो लास्ट दोनों को ऐड करो, 3+2 कितना 5 हो गया, 5 है इसके पिछला दोनों वैल्यू है 3 और 4 के लिए जो आया है उसको ऐड करो, 3+5। यहाँ 6 है तो क्या है 5+8, 13 हो गया। 7 है तो 8+13, पहले वाला दोनों को ऐड करना है, यही करना है बस। अगर 8 है यहाँ पर तो पहले क्या 13+21, 34 हो गया। 10 है तो लास्ट दोनों 8 के लिए जितना वैल्यू है, 9 के लिए जितना वैल्यू है, दोनों वैल्यू ऐड करेंगे तो 10 का वैल्यू बन जाएगा, यही काम करना है, ठीक है। इसको हम सीक्वेंस में कैसे लिख सकते हैं, फिब ऑफ एन इक्वल टू फिब ऑफ एन माइनस वन प्लस फिब ऑफ एन माइनस टू, ठीक है। एन है तो एन माइनस वन वाले को ऐड करेंगे, एन माइनस टू वाले को ऐड करेंगे, जैसे एन का वैल्यू 10 है, 3-1 क्या हो गया 9 वाले को ऐड करेंगे और 8 वाले को ऐड करेंगे। मान लो n का वैल्यू 5 है तो n-1 कितना हो गया 4, 4 को ऐड किए प्लस n-2, 5-2, 3, 3 को ऐड किए, ये दोनों वैल्यू जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिलता है, ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू मिलता है, समझ रहे हो बात को, यही है। अगर इसको हम ट्री के फॉर्मेट में बनाना चाहें, अगर ट्री के फॉर्मेट में, तो क्या है भाई f6 का कॉल किए हैं, इसमें तो क्या है f5 प्लस f4 होगा, बीच में क्या रहेगा एक प्लस का साइन रहेगा। f5 कैसे आएगा भाई, f5 के लिए f4 प्लस f3 होगा, f4 के लिए क्या है f3 प्लस f2 होगा, f3 के लिए क्या है f2 प्लस f1 होगा, यहाँ पर f2 के लिए क्या है f1 प्लस f0 होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर राइट में भी देखेंगे, f4 के लिए क्या होगा f3 प्लस f2 होगा, f3 के लिए f2 प्लस f1 होगा। इसे कोड को देखते हैं तो कोड में क्या है, फिब ऑफ एन एकदम आसान चीज है, आराम से समझ जाओगे, फिब ऑफ एन इक्वल टू इफ एन इक्वल टू 0 और एन इक्वल टू 1, अगर एन का वैल्यू 0 रहे या 1 रहे तो उस केस में रिटर्न 1, दोनों का वैल्यू क्या है 1 रिटर्न करना है, 0 और 1 दोनों के लिए फिक्स होता है 1 ही होगा, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हो, मतलब 0 और 1 नहीं रहे, तब करना क्या है इल्स a इक्वल टू फीब ऑफ एन माइनस वन, मतलब एन माइनस वन फीब ऑफ एन माइनस वन को कैलकुलेट करके हम a में स्टोर कर लेंगे, और b इक्वल टू फीब ऑफ एन माइनस टू, मतलब क्या है फीब ऑफ एन माइनस टू को हम b में स्टोर कर लिए। अब a में वैल्यू है क्या फीब ऑफ एन माइनस वन, b में क्या है फीब ऑफ एन माइनस टू, a प्लस b करेंगे तो क्या है फीब ऑफ एन निकल जाएगा मेरा। n के लिए क्या चाहिए था, n के लिए ही चाहिए था ना, n के लिए एन माइनस वन का वैल्यू है, एन माइनस टू का वैल्यू, ठीक है। एन माइनस वन का ए में है, एन माइनस टू का बी में है, सी इक्वल टू ए प्लस बी कर लिए, रिटर्न सी कर दिए, ठीक है। तब क्या है फिब ऑफ एन का वैल्यू रिटर्न हो गया। अब देखो इसको एक बार ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है, देखो ब्रांच कितना है 1, 2, यहां भी क्या है 1, 2, यहां भी क्या है 1, 2, मतलब कि ये बाइनरी ट्री बन रहा है, एक बाइनरी ट्री बन रहा है। कितना लेवल का है भाई, देखो f6, f5, f4, f3, 2, 1, 1 तक आया है, मतलब क्या है 6 से लेके 1 तक गया है, मतलब n से लेकर 1 तक जाएगा तो कितना लेवल्स हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ लेवल्स हो जाएगा कितना, n लेवल्स हो जाएगा, n लेवल्स ट्री है, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको हम, n लेवल बाइनरी ट्री हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एन लेवल बाइनरी ट्री बन रहा है, ठीक है। अब देखो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्या, देखो लेफ्ट में इसे अगर हाइट हम देखते हैं, लेफ्ट में हाइट देखते हैं क्या 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब कितना हाइट हो गया एन माइनस वन हाइट है, जबकि राइट में हम देखते हैं 6, 4, 2, 1, मतलब 6 में से 2 माइनस किए हैं, फिर 4 में से 2 माइनस हो गया, फिर 2 में से 1 माइनस यहां पर हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है ये लगभग जो राइट में रहेगा कितना हाइट रहेगा n बाई टू के,
एन बाई टू की अप्रोक्स रहेगा, एन बाई टू की अप्रोक्स रहेगा, लेफ्ट में क्या है एन की अप्रोक्स है, ठीक है, लेफ्ट में एन है, राइट में एन बाई टू है। अगर इसका अपर बाउंड लेते हैं, जैसे एक यहां पर खाली जगह यही है ना, यही वैकेंट है ना, टोटल ट्री क्या है, यहां से लेकर यहां तक ट्री है टोटल, इसका अगर अपर बाउंड लेते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अगर इतना पार्ट को हम एक्स्ट्रा अगर ऐड करते हैं तो कैसा बिहेव करेगा, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री जैसा बिहेव करेगा। मतलब क्या कि अपर बाउंड में अगर लेंगे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, एन लेवल, एन लेवल कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर हम अपर बाउंड में लेते हैं तो एन लेवल कंप्लीट बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ नोड्स कितना होता है, नंबर ऑफ नोड्स कितना होता है, टू पावर एन, टू पावर एन माइनस वन होता है नंबर ऑफ नोड्स। मतलब क्या है, अब जितना भी नोड्स है देखो क्या है, पीवॉफ सिक्स, पीवॉफ फाइव, पीवॉफ फोर, पीवॉफ थ्री, सबके सब फंक्शन कॉल है। मतलब अगर फंक्शन कॉल का हम बात कर लें, अगर फंक्शन कॉल्स का अगर हम नंबर, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल का हम बात कर लें, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल का अगर बात कर लें तो कितना रहेगा, टू पावर एन माइनस वन रफली रहेगा, ठीक है, अपर बाउंड में रहेगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बीगो टू पावर एन, हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ईच फंक्शन कॉल में टाइम कितना लग रहा है, कॉन्स्टेंट लग रहा है। मतलब क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए टू पावर एन इंटू सी करेंगे अगर हम, तो बीगो, बीगो टू पावर एन बन रहा है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना बन गया, बीगो टू पावर एन। अगर स्पेस का हम बात करते हैं तो जितना नंबर ऑफ लेवल्स है उतना ही स्टैक लगेगा, क्योंकि ट्री में हमेशा ही जानते हैं कि एक लेवल में एक यूनिट लगता है स्टैक का, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ लेवल्स मैक्सिमम क्या है, लेफ्ट में है, लेफ्ट में कितना है, एन लेवल है। मतलब क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बात करते हैं, कितना होगा, बीगो एन, क्यों, एन साइज का स्टैक लगा है, ठीक है, एन स्टैक का साइज है, स्टैक साइज रिक्वायर्ड, एन यूनिट का स्टैक साइज रिक्वायर्ड है एन लेवल सीबीटी के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बीगो एन हो गया, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टू पावर एन हो गया। ये देख लिए, ये किसके चलते है, ये है विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये क्या है, ये है विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग को अगर यूज नहीं करते हैं तब है ये। ये क्या क्वेश्चन था एक्चुअली, अप्लीकेशन ऑफ स्टैक, स्टैक यहां पर यूज हुआ है ना, स्टैक यूज हुआ है ना, इसके लिए ही ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्या है, विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग करेंगे अगर, तो हम लोग का वैल्यू क्या है, इतना आ रहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू पावर एन, स्पेस एन आ रहा। लेकिन अगर विथ डायनेमिक करते हैं अगर हम लोग, अगर इसको विथ, विथ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर हम करते हैं तब कितना आना चाहिए भाई। तो एक चीज देखो, एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ एफ फोर है, यहाँ पर एफ फोर है, तो यहाँ भी एफ फोर है, यहाँ एफ थ्री है, यहाँ भी एफ थ्री है, मतलब कि बहुत सारा रिपीटेशन है। कितना वेरिएशन मैक्सिमम पॉसिबल है, डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल कितना पॉसिबल है, डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल क्या है, एफ सिक्स, एफ फाइव, एफ फोर, एफ थ्री, एफ टू, एफ वन, इसके अलावा कोई और फंक्शन दिखाओ हमको यहाँ पर, एफ जीरो एक रहेगा मान लो, इसके अलावा कोई है कहीं भी लो, किसी को रेंडम लो, देखो एफ वन, यहाँ पर देखो एफ वन आया हुआ है, यहाँ पर देखो एफ टू, यहाँ एफ टू आया हुआ है, कहीं भी लेंगे, एफ वन यहाँ आया हुआ है, एफ थ्री यहाँ आया हुआ है, एफ फोर यहाँ है, मतलब कि लेफ्ट मोस्ट जो इसमें जितना वेरिएशन आया है प्लस एक एफ जीरो, तो एन प्लस वन, यहाँ क्या है ओ वन, एफ वन से लेकर एफ एन तक जा रहा है, और एक जीरो का, मतलब क्या है, टोटल एन प्लस वन डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल है। इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन प्लस, एन प्लस वन डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल, यही है ना, एन प्लस वन डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल है। तो n प्लस वन डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल है तो टाइम कितना लगेगा, n प्लस वन डिस्टिंक्ट है, जितना डिस्टिंक्ट होता है उतना ही हम फंक्शन कॉल करते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब यही है ना, जो डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल है उतना ही हम कॉल करेंगे फंक्शन को। मतलब क्या, यहां पर हम देखते हैं क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा अगर n प्लस वन को कॉल करेंगे, n प्लस वन इंटू सी, एन प्लस वन इंटू सी, एन प्लस वन को हम n बोल सकते हैं। मतलब क्या है, n इंटू सी इक्वल टू बीगो n। पहले क्या टाइम था, पहले टाइम था टू पावर एन था, अब यहां पर बीगो एन हो गया, किसके हेल्प से, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के हेल्प से। अब यहां पर एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कर रहा है, जब इसको हम फाइंड आउट करेंगे क्या करें, कहीं पर स्टोर करेंगे वैल्यू, ताकि अगर एफ फोर यहां पर आया है, इसको हम फाइंड आउट स्टोर कर लिए, अगला बार जब एफ फोर आए हम टेबल से वैल्यू ले लेंगे इसका वैल्यू, इसको फिर से फंक्शन कॉल नहीं करना होगा। जैसे एफ थ्री है, हम टेबल से ले लेंगे, क्योंकि यहां पर एफ थ्री पहले ही कैलकुलेट हो गया है। मतलब क्या, टेबल का साइज क्या होगा,
टेबल साइज क्या होगा, टेबल का साइज कितना रहेगा, जितना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल है, तो एन प्लस वन क्या है, एन प्लस वन साइज रहेगा। स्टैक कितना रहेगा भाई, स्टैक कितना रहेगा, जितना पहले था उतना ही स्टैक अभी भी रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ लेवल्स तो ट्री में उतना ही है। कितना लेवल्स है, इन इन लेवल्स है, यहाँ पर देखो लास्ट में जा रहा है, इन लेवल का है, मतलब कि स्टैक का साइज अभी भी एन रहेगा। अगर टोटल हम ऐड करते हैं इस दोनों को तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा दोनों को ऐड करने पर, एन प्लस वन टू एन हो गया रफली, टू एन हो गया रफली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीगो एन लिख सकते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहता है यहाँ पर, बीगो एन रहता है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो टू पावर एन से बीगो एन बन जाता है, एक्सपोनेंशियल से लीनियर टाइम बन जाता है। स्पेस में एक एक्स्ट्रा टेबल का स्पेस हम लोग को लगा है डायनेमिक यूज करने में, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हम लोग देख लिए, क्या लास्ट एप्लीकेशन था ये स्टैक का। नेक्स्ट जो देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, ओवर हो गया टॉपिक अब, इसके बाद में क्या है, इसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में, सब क्वेश्चन को, सब थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही है, चाहे कोई भी एग्जाम में आए, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आने वाला रहेगा, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक क्या है, क्यू। एक बार बताए भी थे कि स्टैक को क्यू के हेल्प से इंप्लीमेंट करना सीखे थे हम लोग ने, स्टैक को क्यू के हेल्प से इंप्लीमेंट कर रहे थे, क्यू के बारे में कुछ बेसिक आइडिया वहां बताए भी थे। अब क्या है, क्यू के बारे में जो भी क्यू का थ्योरी है हर चीज पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यू को देखेंगे, इससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी, जितना भी कंसेप्ट होगा क्यू का, सबके सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्यू हम पढ़ते हैं, और अभी तक जितना भी पढ़ाया हुआ है सबको अच्छे से रिवाइज करो, जो भी थ्योरी रहे नोट्स को हमेशा रिवाइज करते रहना, और क्वेश्चंस भी बनाते रहना, क्योंकि बेस्ट वे टू रिविजन इज ओनली सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगा, और एक्यूरेसी भी बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रहा है, जो डायरेक्टली जो नोट्स को हम रिवाइज करेंगे उससे अच्छा क्या है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कभी कभी नोट्स को भी हम देख रहे हैं, जहां डाउट लग रहा है नोट्स को हम रेफर कर रहे हैं, और नहीं तो क्वेश्चन हम बनाते चल रहे हैं, उससे स्पीड और एक्यूरेसी पैरेलल में हो रहा है, सही। ऐसे सोचोगे क्या एग्जाम के टाइम में क्या है, अब एग्जाम देख रहे हैं, बोल रहे हैं क्या, अरे यार उतना स्पीड नहीं था या उतना एक्यूरेसी नहीं था, बहुत सारा गलती हो गया। एक दिन में स्पीड और एक्यूरेसी कभी नहीं बनता है, स्पीड और एक्यूरेसी है जो स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, अभी से ही स्टार्ट करो। जब कभी ऐसा फील हो जाए कि स्पीड स्लो है या एक्यूरेसी स्लो है, उस समय ही स्टार्ट कर दो, और फील होना ही होना है। जब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में स्लो रहेगा ही रहेगा, इसलिए क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो, जो भी थ्योरी है थ्योरी को रिवाइज करने के बाद पहले थ्योरी समझ लो अच्छे से, जो भी कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए उसके बाद में क्वेश्चन पर गए। ऐसा नहीं कि थ्योरी कंप्लीट पढ़े नहीं है, क्वेश्चन बना रहे हैं, सोच रहे हैं क्वेश्चन को बना, केवल बनाने से ही थ्योरी समझ जाएंगे, नहीं ऐसा होगा। क्वेश्चन का लिमिटेशन है ना, कितना वेरिएशन है, जैसे एक थ्योरी एक कंसेप्ट पर 1000 क्वेश्चन पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है कि तुम 50 क्वेश्चन बनाओगे, उसमें कुछ पार्टिकुलर थ्योरी तो रिवाइज हो रहा है बार बार, कुछ कुछ थ्योरी है जो स्किप हो रहा है, मान लो उसे ही क्वेश्चन आ जाए, इसे थ्योरी का रिविजन बहुत ही जरूरी है, और एट लास्ट क्वेश्चन भी बनाना है वैसे ही, ठीक है। रिवाइज करो, नेक्स्ट में देखेंगे क्यों देखेंगे, लगभग डेटा स्ट्रक्चर का इंड ही होने वाला है, ठीक है, थोड़ा ही बचा है, तो स्टार्टिंग से डेटा स्ट्रक्चर को रिवाइज करना फिर स्टार्ट कर दो, ताकि जब इंड हो, जब ये सब्जेक्ट इंड होगा डेटा स्ट्रक्चर, तब क्या है, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया है, चाहे गेट का रहे किसी और एग्जाम का रहे, जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सब क्वेश्चन को बनाना है। तो जब इंड होते टाइम में क्या है, पूरा थ्योरी माइंड में रहेगा तभी बनाओगे ना क्वेश्चन, नहीं तो क्या हम यहाँ इंड कर देंगे, यहाँ इंड हो गया है लेकिन फिर से तुम नोट्स में वहां ये स्टार्टिंग से ही पढ़ते जा रहे हो, तो क्या फायदा हुआ, फिर से भूल जाओगे वहां पर। इसलिए क्वेश्चन को बनाओ सही से, और थ्योरी को इंड कर लेना अपने साइड से भी, मेरे साइड से इंड हो जाएगा, अभी नेक्स्ट एक या दो क्लास और शायद होगा, दो क्लास में इंड हो जाएगा ये, ठीक है, चलो पढ़ो फिर अच्छे से।